कांग्रेस नेता राहुल गांधी नया साल मनाने के लिए दुबई गए हैं। दिल्ली दुबई के स्पाइस जेट फ्लाइट में उन्हें स्पॉट किया गया। फ्लाइट में सवार एक पैसेंजर ने मीडिया को बताया कि फॉग की वजह से फ्लाइट काफी देर से निकली। शनिवार को दोपहर 1 बजे ही बोर्डिंग की गई, लेकिन शाम करीब 7:45 पर उड़ान संभव हो पाई। इस फ्लाइट में राहुल गांधी भी सवार थे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सारा हुसैन ने ये वीडियो शेयर किया है। सारा फूड, लाइफस्टाइल और ट्रैवल ब्लॉगर है। सारा ने वीडियो में बताया कि दिल्ली की सर्दी के कारण फ्लाइट में देरी हुई। फ्लाइट में बोर्डिंग की लाइव वीडियो भी शेयर की गई। जब उड़ान नहीं शुरू हुई तो पैसेंजर्स ने पूछताछ की, लेकिन किसी स्टाफ के पास कोई जवाब नहीं था कि फ्लाइट क्यों डिले हो रही है। बाद में स्टाफ ने बताया कि ऑपरेशनल रीजन की वजह से फ्लाइट में देरी हो रही है। सारा हुसैन की इस वीडियो में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी दिखे। वो दिल्ली से दुबई उड़ान पर थे। हुसैन ने कहा, वायनाड के एमपी राहुल गांधी काफी चिल हैं। सारा ने बताया कि जब वो वॉशरूम जा रही थी तब देखा कि राहुल गांधी कुछ पढ़ रहे हैं। पहली बार तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। फ्लाइट की उड़ान भरने के बाद जब मैं दोबारा वहां पहुंची तो देखा कि राहुल गांधी सो रहे हैं। सारा ने वीडियो में ही राहुल गांधी को ग्रीट किया। फ्लाइट में राहुल गांधी को देखकर ज्यादातर पैसेंजर्स उत्साहित रहे, लेकिन किसी ने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। जैसे ही फ्लाइट दुबई में लैंड हुई तो लोग उनकी तरफ सेल्फी लेने के लिए भागे, लेकिन स्टाफ ने सबको बैठने के लिए कहा। सारा ने बताया कि इकोनॉमी क्लास में राहुल को यात्रा करते देख काफी अच्छा लगा। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी व्यक्तिगत टूर पर दुबई गए हैं और 3 जनवरी को वापस लौट आएंगे। बता दें, इससे पहले भी कई बार राहुल गांधी को इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते हुए देखा गया है।